Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this English video class. I am sure you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes, and everyone in your family is also good. Do take care of yourselves children, so that you stay happy and you stay safe and healthy. Follow all the safety precautions and follow all the basic hygiene rules. And this is our English class children, and I've started with the topic grammar. Okay, grammar से मैंने भी start किया है. Grammar जिसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण. So what is the need of learning grammar? Why do we need to learn grammar? ये मैंने previous class में explain किया था कि grammar makes it improves our writing skill, it improves our communication skill, and knowledge of grammar helps us in expressing ourselves in a better way. हम मतलब अपने आप को whether in writing या बोल करके अपने आप को हम अच्छे से express कर सकते हैं अगर हमको grammar की knowledge है तो. We can frame the sentences properly. Grammar की language अगर हमें knowledge नहीं होगी तो we will not be able to frame the sentences properly, and if the sentences are not framed in a correct manner, वो proper meaning भी नहीं convey करेंगे. So the need for learning grammar is to mainly to improve our communication skill, our speaking skill, our writing skill. So therefore knowledge of grammar is very important, whether it is English or Hindi. Hindi में जिसको हम व्याकरण बोलते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही ग्रामर की जरूरत है, इन हिंदी ऑल्सो. एंड ग्रामर इज इंग्लिश में ग्रामर इज अ टॉपिक, एंड ग्रामर की जो नॉलेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो हम सेंटेंसेस लिखते हैं, आंसर्स लिखते हैं. सो ग्रामर की नॉलेज इसीलिए हमको आनी चाहिए, होनी चाहिए. सो दिस आई हैव एक्सप्लेन दैट व्हाई डू वी नीड टू लर्न ग्रामर, व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग ग्रामर. देन आफ्टर दैट I explain different parts of speech. जैसे मैंने बताया कि parts speech is a sentence, collection of sentences you can say. तो speech parts of speech का मतलब है, parts मतलब उसके जो sentence के जो अलग अलग words होते हैं. जैसे मैंने example दिया था कि when we make something, we add so many things, बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, तो कुछ बनाने के लिए अलग अलग ingredients use होते हैं. Similarly एक सेंटेंस बोलने के लिए उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं दे आर डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, हर वर्ड का अपना अलग अलग एक पार्ट होता है, अलग अलग एक रोल होता है, हर एक वर्ड अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है. सो देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो मैंने बताया था. दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ठीक है, ब्रीफ में मैंने सबके बारे में बता दिया था. फिर देन आई स्टार्टेड विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन. वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड नाउन. नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, नाउन्स दैट आर नेमिंग वर्ड्स. नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनीथिंग. नाउन्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ टूडे आई विल स्टार्ट विथ प्रोनाउन्स. फर्स्ट आई विल टेल यू वॉट आर प्रोनाउन्स. प्रोनाउन्स कहते किसे हैं? नेम्स, whether they are common noun, proper noun, माने names and proper किसी भी चीज का नाम. Names are very important because when we take any name, कोई हम जब name लेते हैं, so they help us in making an image of that thing in our head. Suppose I say apple, अभी मैंने fruit बोला. If I say fruit, so you do not know I am talking about which fruit. मैं किस फ्रूट के बारे में बात कर रही हूँ ये तो आपको नहीं पता. बट वेन आई टेक द नेम, वेन आई से एप्पल और वेन आई से वॉटरमेलन और वेन आई से मैंगो, देन यू कैन इमेजिन इट्स इमेज इन योर हेड. यस, मैम इज टॉकिंग अबाउट एन एप्पल. तो एप्पल कैसा होता है? इट इज राउंड इन शेप, इट इज रेड इन कलर, इट इज वेरी स्वीट. तो एप्पल की आप एक इमेज अपने हेड में, अपने माइंड में एक इमेज फ्रेम कर सकते हो. सो दैट इज वाई नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
व्हेन आई से, जैसे फ्रूट मैंने बोला, सपोज आई से बॉय, सो व्हेन आई से बॉय इट कैन बी एनी बॉय, इट कैन बी एनी बॉय, ठीक है ना, जब मैंने बॉय बोला. बट व्हेन आई टेक द नेम, इफ आई से राज, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय नेम्ड राज, ठीक है. सो दैट इज व्हाई नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर प्रोनाउंस. नाउंस तो हमने किया, नाउ व्हाट आर प्रोनाउंस. सो टुडे प्रोनाउंस, टुडे आई विल टेल यू व्हाट आर प्रोनाउंस, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस, वेयर आर दे यूज, ठीक है. व्हाट आर प्रोनाउंस, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ कैन वी इंप्रूव आवर राइटिंग और आवर स्पीकिंग बाय यूजिंग प्रोनाउंस. प्रोनाउंस की नॉलेज से हम कैसे अपनी राइटिंग को, अपनी स्पीकिंग को, और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन वी इंप्रूव इट, ओके, एंड हाउ कैन वी बिकम अ बेटर राइटर और बेटर स्पीकर. एज वी ऑल नो, जैसे प्रोनाउन हमें मालूम है कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, ठीक है. प्रोनाउंस का मतलब है प्रोनाउंस जो यूज करते हैं, दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज. प्रोनाउंस, यूज ऑफ प्रोनाउंस शुड नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, ओके. And why do we use pronoun? We mainly use pronoun to avoid repetition of naming words. Naming words बार बार repeat ना हो, उसके repetition को avoid करने के लिए हम pronouns use करते हैं. Okay? Now, when you see this word, जैसे nouns, तो we are familiar with nouns now. When I say pronouns, अभी हमने प्रो वर्ड को नाउंस के आगे लगा दिया, ठीक है. किसी वर्ड के आगे जो हम वर्ड लगाते हैं दैट इज नोन एज प्रीफिक्स. अभी हमने नाउंस के आगे ये वर्ड लगाया प्रो, ठीक है. प्रो नाउंस, प्रो का मतलब होता है, प्रो मीन्स फॉर, ठीक है. प्रो नाउंस मीन्स फॉर नाउंस, ओके. प्रो का मतलब है फॉर. सो आई हैव यूज दिस वर्ड प्रो nouns. So pro means for. Pronouns का meaning क्या हुआ? Pronouns means for nouns. That means the words which are used for nouns, they are known as pronouns. हिंदी में जिसको हम कहते हैं सर्वनाम, okay? In our day to day communication, रोज जो बातचीत करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, we are using so many pronouns without even realizing. ये हम realize ही नहीं करते कि हम pronouns use कर रहे हैं. We do not realize that we are using pronouns. Like right now, I am talking to you, I am teaching you. अभी इसमें देखो मैंने कितने सारे pronouns use कर लिए. जैसे मैंने बोला कि we are using pronouns. So we includes all of us, मतलब हम, मैं भी हूं, आप सब भी हो, सारे लोग हैं. We means it includes everyone. We are using pronouns right now. Like I am teaching you. I means मैं, you, you means मैं आपसे जब बात कर रही हूं. So we, I, you, all these words are pronouns only, ठीक है. We don't even realize that we are using pronouns. हमारी रोज की बातचीत में, इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे लिसनिंग, डे टू डे राइटिंग, वी यूज सो मेनी प्रोनाउंस विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर यूजिंग प्रोनाउन. हम समझ ही नहीं पाते, मतलब हम रियलाइज नहीं करते इस बात को कि हम कितने सारे प्रोनाउन यूज कर गए, है ना. जैसे हिंदी में मैं बोल रही हूं तो
हम इज अ प्रोनाउन, सर्वनाम है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द बुक, आई डोंट नो वेयर इज इट. ओके, लेट मी राइट इज. सो आई होप मीनिंग ऑफ प्रोनाउन इज क्लियर. प्रोनाउन, प्रो मीन्स फॉर, सो प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन. लाइक मैंने पूछा वेयर इज द बुक, यू से आई डू नॉट नो वेयर इज इट. ठीक है, आई डू नॉट नो वेयर इज इट. वॉट आर द चिल्ड्रेन डूइंग, दे आर प्लेइंग. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट डू इट. द टीचर सेज नो, यू कैन डू इट. ओके, we can complete this work. हम ये काम को, इस काम को complete कर सकते हैं. I have just written these few sentences. Now here, see this word, I do not know where is it. They are playing. You can do it. We can complete this work. Now the words which I have underlined, जैसे मैंने पूछा, किसी ने पूछा where is the book, you answered I do not know where is it. So I, that means you are talking about yourself. I do not know where is it. It, यहाँ पे it हमने किसके लिए यूज किया है, बुक के लिए, बिकॉज आपसे किसी ने बुक के बारे में पूछा कि where is the book. So you say कि I do not know where is it, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है. Okay, they are playing. Who are playing? The children are playing. So they is used in place of the children. You can do it. जैसे हम normal बातचीत में करते हैं, you can do it, कर सकते हो तुम इस काम को. So you, that means I am talking to you. We can complete this work. हम सब मिल करके इस काम को complete कर सकते हैं. So ये, these are some very common pronouns. I, they, you, we, it. These are some of the common pronouns which we use in our day-to-day life. जो हम अपनी डे टू डे रोज की बातचीत में, दिन भर की बातचीत में ये सारे प्रोनाउंस हम यूज करते हैं. वी यूज, दीज आर वेरी कॉमन प्रोनाउंस विच वी यूज थ्रू आउट द डे विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर यूजिंग प्रोनाउंस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाई डू वी नीड प्रोनाउन, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग प्रोनाउन, हमें प्रोनाउंस यूज करने की क्या जरूरत है. नाउ लेट अस सी. नाउ फर्स्ट आई विल जस्ट राइट अ पैराग्राफ. ठीक है, सपोज एक मैं पैराग्राफ पहले लिख रही हूं. सपोज आई विश टू टेल अबाउट अ डॉग. सपोज आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है एंड इट्स नेम इज शेरू. ठीक है, तो आई विश टू टेल यू समथिंग अबाउट शेरू. शेरू के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास डॉग है, कैसा है, क्या क्या उसको पसंद है, क्या करता है. ओके, सो आई विल फर्स्ट राइट अ पैराग्राफ अबाउट शेरू. आई आई हैव अ, first I will write the paragraph and then I will explain. Okay, I have a dog named Sheru. S will be capital because it is the name of a dog, proper noun hai, so it is capital S. Sheru is black in color. Okay,
शेरू लाइक्स टू ईट CHAPATI चपाती विथ मिल्क शेरू लव्स टू प्ले विथ बॉल शेरू ऑल्सो लव टू गो आउट विथ मी एट नाइट शेरू sleeps in the bed. Okay, so this is a paragraph about my pet dog. I have a pet dog and its name is Sheru. So this paragraph is about Sheru. I have a dog named Sheru. Sheru is black in color. Sheru likes to eat chapati with milk. Sheru loves to play with ball. शेरू ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी. डॉग्स को बाहर घूमने में बहुत मजा आता है ना. एंड एट नाइट शेरू स्लीप्स इन द बेड. ओके, सो दिस पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये हमें किसके बारे में बता रहा है. दिस पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट द डॉग शेरू. ओके, आई हैव अ डॉग नेम्ड शेरू. शेरू इज ब्लैक इन कलर. शेरू लाइक्स टू ईट चपाती विथ मिल्क. Sheru loves to play with ball. Sheru also loves to go out with me. At night, Sheru sleeps in the bed. So children, can you tell me, have you realized that there is something wrong with this paragraph? There is something which doesn't sound very good. Kuch aisa hai is paragraph mein, jo ki sunne mein bahut achha nahi lag raha hai. Have you realized what it is? Have you realized कि आपने मतलब इस चीज को realize किया है कि there is something in the paragraph which doesn't sound very good, सुनने में जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. What is it? Have you realized that we have used the name Sheru so many times? How many times have we used this word Sheru? I have a dog named Sheru. Sheru is black in color. Sheru likes to eat chapati with milk. Sheru loves to play with ball. Sheru also loves to go out with me. At night, Sheru sleeps in the bed. How many times have we used this word Sheru? Kitni baar humne use kiya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have used the word Sheru 6 times in one paragraph. And this paragraph has 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sentences. So in 6 sentences, we have used the word Sheru 6 times. 6 lines ke paragraph mein humne Sheru word ko 6 times use kiya hai. That means we have repeated this word 6 times. Okay? So, there has to be a better way of writing this. Ek koi better way zarur hoga so that this पैराग्राफ साउंड्स मच बेटर. कोई एक ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे कि ये पैराग्राफ हमें और बेटर लगे सुनने में, लिखने में भी बेटर लगे और सुनने में भी बेटर लगे. सो हियर कम्स द यूज ऑफ प्रोनाउन. यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन का यूज आता है. ओके, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट शेरू अ डॉग एंड एज द नेम सेज, जैसे हमको नाम से पता चल जाता है कि वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल. जैसे बॉयज एंड गर्ल्स का भी जो नाम अगर मैं बोलूंगी राज तो हमें समझ में आएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ बॉय. ठीक है, इफ आई से रीता, सो वी नो दैट शी इज अ गर्ल. तो जैसे हम नेम से वी कैन मेक आउट कि वेदर
दैट पर्सन इज अ मेल और फीमेल. तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है शेरू. तो नेम से हमें समझ में आ रहा है कि शेरू इज अ मेल डॉग. सो वी कैन यूज ही फॉर शेरू. एनिमल्स के लिए वी यूज इट, बट मेनी अ टाइम्स वी यूज ही और शी ऑल्सो. जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर एनिमल, उसका कोई नाम है, देन वी यूज ही और शी ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इट ओनली एनिमल्स के लिए, बट हियर वी नो दैट शेरू इज अ मेल डॉग. तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वी विल यूज हियर ही. ओके, वी विल यूज ही. फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ डॉग नेम शेरू. इन द फर्स्ट सेंटेंस शेरू विल रिमेन एज इट इज बिकॉज शेरू इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब है कि हम इस पैराग्राफ में वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग शेरू. यहाँ पे हम शेरू के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन द फर्स्ट सेंटेंस दिस नेम विल रिमेन एज इट इज. आई हैव अ पेट डॉग नेम शेरू. फर्स्ट पैराग्राफ में ये एज इट इज रहेगा. सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट माई डॉग एंड आई वॉन्ट अदर्स टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माई डॉग शेरू. मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको समझ में आए कि मैं अपने पेट डॉग शेरू के बारे में बात कर रही हूँ. सो शेरू इज आवर सब्जेक्ट हियर. यहाँ पे हम शेरू के बारे में बात कर रहे हैं. सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम विषय बोलते हैं, यू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट, आप दूसरे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब होता है सेंटेंस में द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट इज जिसके बारे में हम बात करते हैं. दैट इज द मेन पर्सन और मेन थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग नेम शेरू. यहाँ पे हम शेरू नाम के एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं. तो शेरू इज द सब्जेक्ट इन दिस पैराग्राफ. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी विल यूज दिस वर्ड शेरू ओनली. फर्स्ट सेंटेंस में हम शेरू को एज इट इज रहने देंगे बिकॉज अगर इसको भी हमने हटा दिया तो हाउ डू वी नो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द नेम शेरू विल रिमेन एज इट इज बिकॉज शेरू इज द सब्जेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट शेरू. लेकिन हम बट वी कैन रिप्लेस दिस वर्ड शेरू इन अदर सेंटेंसेस. हम शेरू को बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में हमने बोल दिया कि आई हैव अ डॉग नेम शेरू. नाउ इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इट इज वेरी क्लियरली अंडरस्टूड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डॉग ओनली. फर्स्ट सेंटेंस में हमने शेरू का नाम लिखा. बाकी सेंटेंसेस में बहुत क्लियर हमें मालूम है कि हम शेरू के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन अदर सेंटेंसेस वी कैन रिप्लेस शेरू विथ ही सिंस शेरू इज अ मेल डॉग. शेरू एक मेल डॉग है तो हम दूसरे सेंटेंसेस में शेरू को ही से रिप्लेस कर सकते हैं. सो आफ्टर रिप्लेसिंग दिस वर्ड शेरू, शेरू को अगर हम ही से रिप्लेस करते तो नाउ लेट अस सी हाउ डज इट लुक लाइक. हियर आई विल राइट इन स्मॉल हैंड राइटिंग. ओके, फर्स्ट सेंटेंसेस आई have a pet dog named Sheru. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में जैसे मैंने बोला कि शेरू को हम एज इट इज छोड़ देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट शेरू. शेरू इज अवर सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेरू. तो शेरू को हम एज इट इज छोड़ देंगे. नाउ इन अदर सेंटेंसेस वी आर रिप्लेसिंग शेरू विथ ही बिकॉज शेरू इज अ मेल डॉग. He is black in color. Sheru likes to eat chapati. So he likes to eat chapati with milk. Then Sheru loves to play with ball. He loves to play with ball.
शेरू ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी. ही ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी एट नाइट. शेरू स्लीप्स इन द बेड एट नाइट. ही स्लीप्स इन द बेड. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव यूज द वर्ड शेरू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डॉग एंड इन रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज आई हैव रिप्लेस्ड शेरू विथ ही. शेरू इज ब्लैक इन कलर. ही इज ब्लैक इन कलर. शेरू लाइक्स टू ईट चपाती विथ मिल्क. ही लाइक्स टू ईट चपाती विथ मिल्क. शेरू लव्स टू प्ले विथ बॉल. ही लव्स टू प्ले विथ बॉल. शेरू ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी. ही ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी. एट नाइट शेरू स्लीप्स इन द बेड. एट नाइट ही स्लीप्स इन द बेड. सो इन अदर सेंटेंसेस आई हैव रिप्लेस्ड शेरू विथ ही सिंस शेरू इज अ मेल डॉग. ओके सो नाउ डज इट साउंड बेटर. अभी आप दोनों रीड करके देख सकते हो एंड यू कैन योर सेल्फ मेक आउट दैट विच वन साउंड बेटर. आई हैव अ डॉग नेम शेरू. शेरू इज ब्लैक इन कलर. शेरू लाइक्स टू ईट चपाती विथ मिल्क. शेरू लव्स टू प्ले विथ बॉल. शेरू ऑल्सो लव्स टू गो आउट विथ मी. एट नाइट शेरू स्लीप्स इन द बेड. आई हैव अ पेट डॉग नेम शेरू. इज ब्लैक इन कलर. He likes to eat chapati with milk. He loves to play with ball. He also loves to go out with me. At night, he sleeps in the bed. So, I am sure this second paragraph sounds better. ये जो second वाला paragraph है, ये सुनने में ज़्यादा better लग रहा है. अभी आप ये भी तो बोल सकते हो कि he word को तो कितनी बार use किया है, but he is the word which is used in place of proper noun. ठीक है? So he is pronoun. For noun, he is used for the word sheru. Sheru is a proper noun. It is the name of a dog. So he is used for sheru. So he is pronoun. ठीक है? समझ में आया अभी? That why do we use pronoun? So pronouns are the words which are used in place of noun or proper noun. Any common noun भी हो सकता है. जैसे nouns के मैंने different types बताए थे. Proper noun, common noun, collective noun and abstract noun. So, pronouns can be used in place of proper noun or common noun. But without changing the meaning. Nouns, pronouns are used to avoid repetition of nouns. Without changing the meaning of the sentence. Sentence ka jo meaning hai, wo nahin change hona chahiye. It should not change. It should remain same. Theek hai? So, he, she, it, we, they, you, I. These are some of the common pronouns. ये कुछ common pronouns हैं, which are used, which we use in our day-to-day conversation, daily life में conversation में या लिखने में हम use करते. These are some of the common pronouns. And we all know that he is used फॉर मेल. कोई भी अगर बॉय है, मेल है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज ही, वी यूज शी. फॉर एनी गर्ल, एनी फीमेल, शी इज यूज एंड इट इज यूज फॉर अदर थिंग्स. एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं, बट मेनी अ टाइम्स वी यूज ही और शी ऑल्सो फॉर एनिमल्स. वेन वी नो, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एनिमल, किसी उसका कोई प्रॉपर नेम है, देन वी कैन यूज ही और शी ऑल्सो. बट फॉर प्लांट्स, फ्लावर्स वी यूज इट बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर दे आर मेल और फीमेल. वो तो हमें नहीं मालूम. जैसे प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनके लिए हम इट यूज करते हैं. एनिमल्स, बर्ड्स के लिए हम इट भी यूज करते हैं. मोस्टली वी यूज इट, बट एनिमल्स, इफ वी नो दैट वेदर द एनिमल इज अ मेल और अ फीमेल, तो हम ही एंड शी भी यूज करते हैं. ओके सो आई होप चिल्ड्रेन इट इज क्लियर नाउ दैट वॉट आर प्रोनाउंस एंड वाई डू वी यूज प्रोनाउंस. Today I will not continue any further. In the next class I will again take 2-3 examples.
कहाँ पे हम ही यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज शी, वेयर डू वी यूज इट, ठीक है ना। कहाँ पे हम मेल प्रोनाउन ही शी इट का यूज क्या है, वेन डू वी यूज आई वी, ऑल दीज प्रोनाउन्स वेयर डू वी यूज, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक प्रोनाउन्स, ओके चिल्ड्रन। सो टूडे आई विल स्टॉप हियर ओनली, थैंक यू एंड गुड बाय फॉर द डे।